हेलो दोस्तों, इलेक्ट्रिकल जंक्शन में आपका स्वागत है। जैसे कि हम आज बात करने वाले हैं टाइप ऑफ सोलर पैनल। भी अपने पास सोलर पैनल कितने प्रकार के होते हैं? ज़्यादातर मार्केट में चार तरह के ही सोलर पैनल आ रहे हैं। पहला है हमारा जैसे मोनोक्रिस्टलाइन सोलर पैनल, दूसरा है हमारा पॉलीक्रिस्टलाइन सोलर पैनल, फिर उसके बाद है हाफ कट सोलर पैनल और बायोफेशियल सोलर पैनल। तो जो किसान है वो अपने जो खेतों में जब सोलर पैनल लगवाते हैं तो उनको पता नहीं होता भी हमें कौन सा सोलर पैनल लगवाना चाहिए जिससे हमें आउटपुट बढ़िया मिल सके और अच्छे जो मौसम, कोई भी मौसम में जो हमारा सोलर पैनल काम कर सके। तो जितने भी उपभोक्ता होते हैं उनको जो सोलर प्लांट स्थापित करते हैं तो उनको पता ही नहीं होता, जिसके कारण वो अपने पैसे का नुकसान कर बैठते हैं। तो हमारे पास आज चार सोलर पैनल हैं और चारों की मैं अलग अलग इनके फीचर होते हैं और अलग अलग ये जो मौसम में काम करते हैं और इनकी दक्षता या एफिशिएंसी कितनी होती है, इनके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मोनोक्रिस्टलाइन सोलर सेल के बारे में। तो जो ये सेल होता है मोनोक्रिस्टलाइन सेल, ये ब्लैक कलर में होता है। ये इसका कलर जो ब्लैक होता है, इसका जो कलर है वो ब्लैक होता है। जो पॉलीक्रिस्टलाइन सोलर सेल है, सोलर पैनल है, उसका जो कलर है वो ब्लू होता है, इसका ब्लू होता है और ये कलर में होते हैं। अब जो मोनोक्रिस्टलाइन सोलर सेल है इसकी जो एफिशिएंसी है, इसकी जो एफिशिएंसी है, इसकी एफिशिएंसी है जी 22%। इसकी एफिशिएंसी है 22%। जो पॉलीक्रिस्टलाइन सोलर सेल है इसकी एफिशिएंसी जो हमारी है 18%। और जो हाफ कट है, ये हाफ कट जो इसकी एफिशिएंसी है 23%। और ये क्या है, जो बायोफेशियल सोलर पैनल है ये हमारे जो ये सभी जो तीनों सोलर पैनल से 10% से लेके 30%, 10% से लेके 30% एक्स्ट्रा हमें करंट देते हैं। कोई भी मौसम हो हमारा जो बायोफेशियल सोलर पैनल है वो वर्क करता रहता है। ये वीडियो किसान भाइयों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, जिससे आपको पता चलेगा भी हमें कौन सा सोलर पैनल लगवाना चाहिए, क्योंकि कंपनियां बहुत सी आ रही है और बहुत से सोलर पैनल आ रहे हैं। तो हमें जो जो भी कंपनी डिसाइड करनी है सोलर पैनल की, तो आप टॉप 10 में से डिसाइड करोगे नहीं, हमें टॉप 10 में कौन सी कंपनी आती है और उसके ही सोलर पैनल हमें लगवाने चाहिए। उसके बाद कंपनी डिसाइड होने के बाद हमें क्या करना चाहिए, हमें इनमें से जो मोनोक्रिस्टलाइन सोलर सेल है, पॉलीक्रिस्टलाइन सोलर सेल है, हाफ कट सोलर सेल है, इसमें से चारों में से कौन सा सोलर पैनल हमें लगवाना चाहिए, पहले कंपनी का डिसाइड करो, फिर हमें सोलर पैनल का डिसाइड करना चाहिए हमें कौन सा लगवाना चाहिए। ये वीडियो मैं स्पेशल किसान भाइयों के लिए बना रहा हूँ, जिससे उनको पता चल सके भी हमें कौन सा सोलर पैनल लगवाना चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मोनोक्रिस्टलाइन सोलर पैनल के बारे में। तो जो ये हमारा जो मोनोक्रिस्टलाइन सोलर पैनल होता है, वो मोनोक्रिस्टलाइन सोलर पैनल जिसे सिंगल क्रिस्टल सोलर पैनल भी कहा जाता है, इसका इसका जो निर्माण है शुद्ध सिलिकॉन के द्वारा किया जाता है। ये जो हमारा जो मोनो सोलर सेल है वो प्योर सिलिकॉन का होता है, वो प्योर सिलिकॉन का होता है जिसका रंग क्या होता है गहरा, उसको ब्लैक भी बोल देते हैं या गहरा नीला भी इसका कलर होता है, ठीक है। उसके बाद आता है इसकी जो एफिशिएंसी है, मैंने आपको बताई दी है भी इसकी जो एफिशिएंसी है वो 22% होती है। और ये जो देखने में हमें कैसा लगता है, ये देखने में जैसे इस तरह ये बना होता है, आप जो सोलर पैनल में आपको जब देखते हो और इस तरह जो ये सेल लगा होता है, इस ये सिंगल सेल है, ये चार इसकी आठ भुजा होती है इनकी, तो ये एक सेल है, ये कई सेलों से बनकर ये हमारा मोनो सोलर पैनल बनता है। इसका निर्माण शुद्ध सिलिकॉन के द्वारा किया जाता है जिसके कारण
इसका रंग जो है गहरा नीला या ब्लैक भी होता है। इसके सोलर सेल, जो सोलर सेल बनने के लिए इसे छोटे वेफर में काट कर इसे सोलर पैनल तैयार किया जाता है। इसके जो किनारे कटे होते हैं, जो ये किनारे हैं यहाँ, ये कटे होते हैं। दूसरा है हमारा पॉलीक्रिस्टलाइन सोलर सेल। जो पॉलीक्रिस्टलाइन सोलर सेल है उसका जो आप डिजाइन देखोगे तो इसे स्क्वायर होता है, ये है स्क्वायर होता है, तो आप इसे समझ जाओगे ये पॉलीक्रिस्टलाइन सोलर सेल है। इस तरह ये जुड़े होते हैं, इस तरह सेल जुड़े होते हैं, और इन सेलों से, कई सेलों से ये हमारा सोलर पैनल बनता है। और जो हमारा मोनो है वो इस तरह शेप में होता है, मोनो का जो सेल है वो इस तरह शेप होती है। क्या ये जो जगह है ये हमारे मोनो में खाली रहती है, और इसमें क्या है पूरी एरिया जो कवर हो जाता है। उसके बाद तीसरा जो हमारा सोलर पैनल है, हाफ कट सोलर सेल। हमारा जो मोनो है, मोनो को बीच में से काट देते हैं। ये जो आप साइज देख रहे हो, अब ये साइज जो है हमारा हाफ कट में लगाए जाते हैं। सोलर पैनल जो है हाफ कट का, सोलर पैनल का जो सेल होता है वो इस तरह डिजाइन किया जाता है, इस तरह ये डिजाइन होता है, ये हाफ कट है, ये हाफ कट सोलर सेल है। और जो ये पॉली क्रिस्टलाइन सोलर सेल है ये जो ज़्यादा जब छाया हो जाती है उसमें ये वर्क नहीं करता, और ज़्यादा हीट में जब हीट हो जाती है तो उसमें भी काम नहीं करते। ये जो ये मोनो और पॉली जो क्रिस्टलाइन सोलर सेल है ये हमारे जो सबसे पहले हमें आए थे उस टाइम हमें पॉली क्रिस्टलाइन और मोनो क्रिस्टलाइन आए थे। उसके बाद हमारे पास हाफ कट सोलर पैनल आ गया है, और उसके बाद हमारा बायोफेशियल सोलर पैनल मार्केट में आ गए हैं। तो सबसे ज़्यादा एफिशिएंसी जो है इसकी हमारी हाफ बायोफेशियल सोलर पैनल की है, और इसकी एफिशिएंसी है वो बहुत ज़्यादा है। तो सबसे ज़्यादा हमें जो यूज़ करना चाहिए वो बायोफेशियल या हाफ कट सोलर पैनल ही यूज़ करना चाहिए, और एक अच्छी कंपनी के ही करने चाहिए। आप जब नेट पे सर्च करोगे टॉप 10 कंपनियों में सोलर पैनल कौन से आते हैं, तो आपको एक लिस्ट आ जाएगी, उसमें लिखा होगा टाटा, अवारी, विक्रम, अडानी, सारे सोलर पैनलों के नाम आ जाएंगे। और जो टॉप 10 है सोलर पैनल है उसको ही आप यूज करना चाहिए आपको, तो आपको बेस्ट परफॉर्मेंस मिलेगी और आपको बढ़िया आउटपुट मिलेगी। सबसे जो बेस्ट है सोलर पैनल ये हमारे जो चार तरह के हैं, ये हमारे जो पहला है पॉलीक्रिस्टलाइन है, फिर मोनो है, फिर हाफ कट है, फिर बायोफेशियल है। आप ये देख रहे हो, आप ये मैं जो बात कर रहा था सबसे पहले मोनो क्रिस्टलाइन की, जो मोनो क्रिस्टलाइन है ये इसका जो सेल होता है, इसका सेल इसमें तो दिखाई नहीं दे रहा है, सेल जो है वो इस तरह इसके भुजा होती है, ये क्रॉस इसे कटा होता है इस तरह, ये जो सोलर सेल बना होता है ये प्लेट जो है मोनो क्रिस्टलाइन सोलर सेल है। उसके बाद इसकी जो एफिशिएंसी है वो 23% होती है, और जो मोनो क्रिस्टलाइन सोलर सेल जो है वो मौसम में अच्छे प्रदर्शन करते हैं, कोई भी मौसम हो, अथवा ये कम धूप में भी बिजली का उत्पादन करते हैं। इस प्रकार के सोलर पैनल उच्च ताप, उच्च दक्षता के काम में ही बिजली को उत्पादन करते रहते हैं। इसकी जो कीमत है वो पॉलीक्रिस्टलाइन सोलर्स की तुलना में अधिक होती है, क्योंकि सिंगल सिलिकॉन क्रिस्टल सोलर सेल के निर्माण की प्रक्रिया जटिल होती है। तो दूसरा हमारा पॉलीक्रिस्टलाइन सोलर सेल, इसकी जो एफिशिएंसी है ये बहुत कम है, इसकी जो एफिशिएंसी है वो 17 से 18% इसकी एफिशिएंसी होती है। ये क्या है, ये जो हमें धूप में या ज़्यादा
हमारा टेम्परेचर होता है, जैसे हमारे 55 डिग्री टेम्परेचर हो गया या 45 डिग्री टेम्परेचर, उसमें बहुत ज़्यादा काम कम करते हैं। हमें क्या है, जब बिजली उत्पादन करनी हो तो हमें क्या है, हीट नहीं चाहिए, हमें लाइट चाहिए। जितना भी सूरज में प्रकाश होता है उस प्रकाश से हमें ये जो सोलर पैनल है हमें लाइट बना कर देता है। तो ये हमारा हो गया पॉली क्रिस्टलाइन सोलर, दूसरा है हमारा मोनो क्रिस्टलाइन सोलर सेल, तीसरा है हमारा हाफ कट। सबसे पहले जो मार्केट में आए थे, मार्केट में जो सोलर पैनल आए थे वो हमारे पॉली क्रिस्टलाइन सोलर थे। उसके बाद मार्केट में है हमारे पास मोनो क्रिस्टलाइन सोलर सेल, थर्ड आए हमारे पास हाफ कट सोलर सेल। हाफ कट में एक खासियत ये है, हमारा ये चोर्स आप देख रहे हो ये सोलर पैनल है और इसमें एक लाइनिंग होती है बीच में, ये आप दोनों सोलर पैनल में कोई लाइनिंग नहीं है और इस सोलर पैनल में हमें एक लाइनिंग दिखा रही है। इसका मतलब है ये हाफ कट सोलर पैनल है। हाफ कट सोलर पैनल का ये मतलब होता है, मान लीजिए ये हमारा 200 वाट का सोलर पैनल है और हमें जैसे कि यहां पर आपकी शेडो आ गई, छाया आ गई है, तो ये बाकी ये हमारा है हाफ कट सोलर पैनल। इसमें क्या है आपको दोबारा बता देता हूं, ये हमारा है हाफ कट सोलर पैनल। तो इसके बारे में मैं दोबारा आपको बताता हूं, जैसे कि ये आपका सोलर पैनल है ये पूरा और इसमें एक लाइन लगी हुई है, ये आप लाइन देख रहे हो, तो ये वहां यूज किया जाता है। जैसे आपके पास कुछ टाइम के बाद मतलब आपके पास छाया आ जाती है, मतलब सोलर के ऊपर सोलर पैनल है हमारा उसके ऊपर छाया आ जाती है, मतलब यहाँ पर आपकी छाया आ चुकी है। तो ये दूसरे जो पैनल है इसमें क्या है, यहाँ पर छाया आने के बाद ये सारे बंद हो जाते हैं क्योंकि ये सीरीज में है और इनकी सीरीज टूट जाती है, ये भी इस छाया आने के बाद बंद हो जाते हैं। और जो हाफ कट है, हाफ कट जैसे 200 वाट का है, तो हमारा जैसे इस पे छाया आ चुकी है, आधे सोलर पैनल पे हमारी छाया आ चुकी है, और हमारा क्या है दूसरा जो भाग है ये इतना, दूसरा ये भाग इसका अलग होता है और इसका ये भाग अलग होता है, तो हमारा ये 100 वाट का जो सोलर पैनल हमारा ये काम करता रहेगा। तो ये हाफ पे आधे सोलर पैनल पे हमारी छाया आ चुकी है और हमारा जो आधा सोलर पैनल है वो हमारा काम कर रहा है, इसलिए हम इसको हाफ कट सोलर पैनल भी बोल देते हैं भी। और जिस इसको इसमें जो जो हमारे सेल लगे होते हैं, जो हमारे सेल लगे होते हैं वो इस तरह डिजाइन के होते हैं, इस तरह लगे होते हैं, मैं आपको थोड़ा शेप बना के दिखा देता हूँ, इस तरह ये सोलर पैनल लगे होते हैं। जैसे आपका मोनो सोलर पैनल होता है उसका हाफ इसको काट देते हैं और उसका साइज बन जाता है, तो वो हमारा इसमें हाफ कट सेल यूज किया जाता है। ये हमारा जो बायोफेशियल सोलर पैनल है ये हर एक मौसम में, आपके पास कोई भी मौसम हो, चाहे दिन में आपकी छाया हो या बहुत ज्यादा टेम्परेचर हो या मौसम खराब हो, किसी भी मौसम में, हर एक मौसम में हमारा जो सोलर पैनल है ये वर्क करेगा और अच्छा आउटपुट देगा। और ये जो है हमारे अलग अलग है, ये जैसे ये टेम्परेचर के ऊपर ये डाउन आ जाते हैं, ये अलग अलग हर एक की अलग एफिशिएंसी है। तो सबसे जो बेस्ट है वो बायोफेशियल या हाफ कट है, जो ज्यादा से ज्यादा हमें आउटपुट देते हैं और किसी भी मौसम में, ये नहीं है भी ज्यादा आपके पास रोशनी नहीं है तो ये काम नहीं करेंगे, ये उतने ही काम करते हैं। मैं आपको एक बात और बता देता हूँ, हमारा जो सूरज है, ये सूरज है हमारे पास, इसमें दो कंपोनेंट होते हैं, एक होती है लाइट, एक होती है हीट, एक होती है हीट। तो जो हमारा सोलर पैनल है वो किस पे काम करता है, वो हमारा किस पे काम करता है, लाइट पर काम करता है, हीट पर वो काम है नहीं करता। जो क्या है, सन के अंदर जो अल्ट्रा वाइट किरणें होती है, वो किरणें जब हमारे सोलर पैनल पे या सेल पे जो पड़ती है तो वहां से इलेक्ट्रॉन जनरेट होते हैं और करंट पैदा करते हैं। तो ये कई किसान भाई या दोस्त सोचते होंगे भी हमें ज्यादा जब हीट होती है तो ज्यादा करंट मिलेगा, ये नहीं है, क्योंकि
ये ज़्यादा हीट के कारण ज़्यादा लाइट पैदा नहीं होती। हमारे सन के अंदर जितनी रोशनी होती है, जितना प्रकाश ज़्यादा होगा उतना ही हमारा करंट ज़्यादा मिलेगा। और ये क्या है, इसके अंदर जो आपने जो वायर लगे होते हैं, आप देखा होगा, आप जिस सेल है, सेल के अंदर एक वायर होता है दूसरे सेल से जोड़ने के लिए। तो क्या है, जब हीट पैदा होती है, जब हीट पैदा होती है तो वो जो वायर है वो एक कनेक्टर का काम कर रहा है। जब किसी कनेक्टर को जब हीट देते हैं तो उस कनेक्टर के अंदर रेजिस्टेंस पैदा हो जाता है। उस रेजिस्टेंस के कारण क्या है, हमें जो करंट है हमारा लॉस होना शुरू हो जाता है। तो हमें ज़्यादा हीट नहीं चाहिए, ज़्यादा हमें जो रोशनी होती है उस रोशनी में हमारे जो सोलर पैनल है वो वर्क करते हैं। फोर्थ हमारा आ गया है बायोफेशियल। ये हमने जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आ रही है बायोफेशियल। बायोफेशियल में क्या होता है, ये हाफ कट भी होता है और बायोफेशियल। हाफ कट का मतलब आप समझ ही गए हो भी, हाँ ये आधे पर छाया है और आधा ये वर्क कर रहा है। और ये बायोफेशियल का मतलब आ गया, ये 30% जो इसके जो बैक साइड है वो बैक साइड उसमें रोशनी लेकर और वो 30% एक्स्ट्रा बिजली पैदा करता है। मतलब आपका ये सोलर पैनल है, ये जैसे आपकी यहाँ से रोशनी आ रही है, ये रोशनी आ रही है तो इसके ऊपर जब यहाँ पड़ेगी और ये 30% नीचे से भी काम करेगा। तो इसलिए ये जो आजकल ट्रेंडिंग में चल रहे हैं ये वो बायोफेशियल सोलर पैनल चल रहे हैं, जो 100% ऊपर से भी काम करते हैं और 30% नीचे से भी काम करते हैं। तो इसकी एफिशिएंसी है वो बढ़ जाती है। हमें जो करंट ज़्यादा चाहिए, हमें जो वाटर पंप चलाने के लिए घर के लिए, तो वो हमारे स्मूथली चलेंगे और ज़्यादा करंट हमें मिलेगा। तो क्या ये सीधी डायरेक्ट रोशनी आ रही है सूरज से, तो 100% तो वहाँ से ले रहा है और 30% क्या है, हमारी जो छत होती है या कोई हमारी जमीन है तो उससे जो रोशनी रिफ्लेक्ट करके इसके बैक साइड में जो रोशनी पड़ती है, उससे हमें 30% एक्स्ट्रा ये बिजली पैदा करता है। तो जो बायोफेशियल है वो लेटेस्ट सोलर पैनल है। उसके बाद हमारा आ गया हाफ कट आ गया, और ये जो हमारे ओल्ड मॉडल आ गए हैं, तो ये ज़्यादातर हमें जो किसान भाइयों को यही उम्मीद करता हूँ भी आप हाफ कट या बायोफेशियल ही सोलर पैनल लें, जिससे आपको ज़्यादा आउटपुट मिले और बढ़िया कंपनी का लें। तो इस ये वीडियो में आगे किसान भाइयों को आगे या अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि उनको सभी को पता चल सके भी इस तरह के सोलर पैनल होते हैं और कैसे काम करते हैं। तो ये वीडियो पसंद आई हो तो हमें लाइक और शेयर जरूर करना।